वैसे तो हैदराबाद ही ठीक है, उसे तो गाजियाबाद में पाव पड़ते ठीक ना, नहीं तो नाश हो जाएगा गाजियाबाद का भी। हैदराबाद की तरफ तो पाव करके भी सोने बेकार है मुसलमान के लिए। इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया? समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों शामिल इस गेम में। आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? केवल इनके चुनावी हथकंडे हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश के लिए कौन उपयोगी है और कौन अनुपयोगी, सियासत का इस पर अपना नजरिया है, अपने तर्क हैं, अपने दावे हैं, अपनी दलीलें हैं। लेकिन मुद्दों की मचान पर चढ़ी इस राजनीति को मुसलमान कैसे देखते हैं? कवाड़ में साइकिल भी क्या कर रहा है? साइकिल भी बिकनी है कवाड़ में? तो ओवैसी साहब जो यूपी में एंट्री करी है, हम तो उनके दीवाने हैं। ओवैसी है क्या? गाजियाबाद में अगर आ गया तो काले झंडे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। सबका साथ सबका विकास किया है भाजपा सरकार ने। जय भारत, जय भारत। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी कहते हैं। तख्ते लखनऊ का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। गाजियाबाद की सबसे हॉट सीट है साहिबाबाद। साहिबाबाद में कमल खिलाने का जिम्मा बीजेपी ने मौजूदा विधायक सुनील शर्मा को दिया है। समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा पर दांव खेला है। टक्कर इन्हीं दो चेहरों में मानी जा रही है। 2017 के चुनाव में सुनील शर्मा 1,50,000 मतों से जीते थे। तब सुनील शर्मा ने जीत के मार्जिन में कुंडा विधायक राजा भैया का भी रिकॉर्ड ध्वस्त किया था। ऐसे में 5 साल बाद साहिबाबाद के मुसलमानों को कौन कबूल है? भाईजान किसे लखनऊ का तख्त सौंपने की सौगंध खा चुके हैं? इसकी पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर श्रीनिवास साहिबाबाद विधानसभा पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्ट्री कारवा के साथ मौजूद हूं गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसे बनाएंगे अपना भाईजान और क्या कहता है यहाँ के मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। पॉलिटिकल पंडित गाजियाबाद के मिजाज को इसी सीट से नापते आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिले की 5 सीटों में वोट बैंक के हिसाब से साहिबाबाद विधानसभा सबसे बड़ी है। 8.5 लाख से ज्यादा वोटर इस विधानसभा में है, लेकिन दबदबा मुस्लिम वोटरों का है। मुस्लिम फैक्टर को साधे बिना यहाँ जीत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि साहिबाबाद में मुस्लिम वोटर करीब 1,50,000 के आसपास हैं। दूसरे पायदान पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। तादाद करीब 87,000 के करीब है। त्यागी वोटर 55,000 हैं, वैश्य करीब 43,000, ठाकुर वोटर 29,000, वहीं दलित मतदाताओं की तादाद करीब 35,000 है। और साहिबाबाद में सबसे कम यादव वोटर करीब 14,000 है। साहिबाबाद की पहचान इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर है। साहिबाबाद चले आइए तो यहाँ गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने से लेकर प्लाईवुड, कागज और डिटर्जेंट पाउडर की कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। खासकर साहिबाबाद में देसी डिटर्जेंट पाउडर की खासी डिमांड है। इस कारोबार से कई मुस्लिम कारीगर जुड़े हैं। ऐसे में सवाल है कि चुनाव में बोर्ड का डिटर्जेंट इस बार मुस्लिम बिरादर किसे लगाएंगे, किसकी किस्मत चमकाएंगे? चलिए, इस वक्त मुस्लिम मन का हाल जानते हुए हम साहिबाबाद विधानसभा में, जी हाँ, जिला गाजियाबाद। डराते हैं लोग क्या? नहीं, नहीं, कुछ नहीं डराते। कौन डर रहा है बताइए? कहते हैं जिला गाजियाबाद। नहीं नहीं, बीजेपी की सरकार में कोई नहीं डर रहा है, सब आराम से रह रहे हैं। आराम से हो? नहीं जी, आराम से बिल्कुल सुखी हूँ। अरे इतने लोगों को तकलीफ है और जाहिद अलवी साहब कह रहे हो आराम से हो? नहीं जी, किसी को तकलीफ नहीं है। सब लोगों का अपना अपना सिस्टम है। कुछ लोग कहने वाले, लेकिन सब लोग सुखी रह रहे हैं और
सुरक्षित रह रहे हैं, सब अपनी माता बहनें अपने घर जा सकती हैं आराम से, सब व्यक्ति जो है घर में आराम से सो सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, सब लोगों का अधिकार है, देश में सबका साथ सबका विकास किया है भाजपा सरकार ने और सबका ही आगे करते रहेगी। ऐसा सब... क्या कर दिया भाई जी? कुछ नहीं करा है, विकास करा है। हमने तो सुना कि यहाँ कोने पे एक बाजार लगती है जी, बड़े परेशान है लोग। नहीं जी कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है जी। आसपास वाले कहते जी हम तो सो ना पाते जी। नहीं जी ऐसे कोई परेशानी नहीं, सब सुखी रह रहे हैं आराम से सब। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीट है। 2017 में विकास के एजेंडे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में थी, तब गाजियाबाद भगवा रथ पर सवार हुआ और बीजेपी ने गाजियाबाद में इतिहास रचा। 2017 में गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को विराट जीत मिली, लेकिन 5 साल बाद मुस्लिम मोहल्लों में किसकी हवा है, इसका जवाब शहीद नगर में मिला। सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबके विनाश के आगे सबका विनाश भी है। और जैसा आपने कहा के बाजार वाले परेशान है, बाजार वाली परेशान नहीं है, एक एक जन जन का आम आदमी सब परेशान है, बेरोजगार बिल्कुल। ये जो बाबा जी ने कहा था ना हमारे योगी जी ने कि सारे गड्ढे भरवा देंगे 6 महीने में, आज तक 5 साल पूरे होने वाले, एक गड्ढा नहीं भरा। जहाँ ओवैसी साहब की बात रही, ये अपने हैदराबाद में तो कुल 8 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, पर यूपी में 100 सीट चाहिए, जहाँ पे इनका कोई नेता पत्रकार भी नहीं है, बुला लो इन्हें सबों को, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पार्टी अभी इस टाइम मेहनत कर रही है, गठबंधन प्रत्याशी है, अब पंडित अमरपाल शर्मा पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और इस बार भी केवल पंडित अमरपाल शर्मा ही जीतेंगे, सारे वोट समाजवादी को पड़ेंगे। बस योगी जी के राज में भीख मांगने की नौबत आ गई हमारी तो सर, हमारा कोई कारोबार नहीं चल रहा सर, 3 साल से पूरी मार्केट बंद है, लाल कुआ चावड़ी बाजार बिल्ली मारान, सारे हार्डवेयर वाले परेशान है, A to Z एल्यूमिनियम 200 रुपए किलो थी, आज 350 रुपए किलो आ रही है। अब क्या करोगे, चुनाव आ गया, अब जो अब हम करेंगे जी, अब विकास करवाएंगे अपने अखिलेश जी से। अखिलेश जी पहले तो थे ना क्या सब? हाँ जी पहले बहुत अच्छा चल रहा था हमारा रोजगार, फिर अखिलेश जी आएंगे फिर जिला गाजियाबाद। साहिबाबाद विधानसभा सीट पर पहली चुनावी भिड़ंत साल 2012 में हुई। 2012 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अमरपाल शर्मा इस सीट से जीते, तब अमरपाल शर्मा ने बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा को हराया था, लेकिन 5 साल बाद 2017 में बीजेपी के सुनील शर्मा जीते। लेकिन इस बार साहिबाबाद के मुस्लिम बिरादर किस पर दांव खेलेंगे और क्यों? 10 फरवरी वाला हाँ। ये तो ऊपर वाला बताएगा। अरे नहीं बटन आप ना बटन तो हम दबाएंगे ही, जो हाँ। दबाएंगे हाँ। अब जब थाली पड़े तो और क्या करेंगे ये बताइए, बटन तो आप ही दबाओगे, बटन तो जब दबाएंगे जब कुछ खाने को मिलेगा। अच्छा कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा तो क्या बटन दबाएंगे? कह रहा है कि महीने में 2 बार फ्री राशन। अरे इस फ्री से क्या हो भाई, फ्री बंद कर दो, इस फ्री बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें चाहिए रोजगार, जो ये सारे खड़े हुए हैं इनको रोजगार चाहिए। तो फिर क्या करोगे 10 तारीख क्या करोगे? ये तो खुदा बताएगा। अरे वो खुदा कैसे बताएंगे? नहीं वही बताएगा, बटन तो आप दबाओगे, इसका बटन तो जब दबाएंगे जब हमारे को कुछ आगे दिखाई देगा कि कौन सी सरकार अच्छी है, तो वो भी दिख ही नहीं रहा कोई, अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा हमारे को। अरे योगी नहीं तो अखिलेश भाई साहब, हमारे लिए योगी भी सही है भाई, दंगा फसाद कुछ नहीं है, लेकिन खाने को रोजगार तो नहीं है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव मनाओ का? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है, साहिबाद की जनता बहुत समझदार है, अवेयर है, अच्छा बुरा सब कुछ जानती है, अब बदलाव होगा। दिक्कतें आ रही हैं सरकार में, विधायक जी रहे सुनील शर्मा जी, अगर कोई भी ये बता दे उन्होंने ये काम करा तो हम बिल्कुल उन्हें वोट देंगे। बात किसी को वोट देने की नहीं है, बात है काम को वोट देने की। साहिबाबाद के मुस्लिम टोलों में टक्कर कमल बनाम साइकिल में दिखी, लेकिन सियासी साइकिल से अलग साहिबाबाद की पहचान एटलस साइकिल से जुड़ी है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कराची से भारत आए जानकी दास कपूर ने 1951 में साहिबाबाद में ही साइकिल प्लांट लगाया था। एक वो दौर था जब इस फैक्ट्री में सालाना 40 लाख साइकिल बनती थी, लेकिन वक्त और हालातों ने साइकिल के पहियों को ऐसा जंग लगाया कि ये उद्योग ठप होने के कगार पर है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्या इसी मुद्दे पर 10 फरवरी को साहिबाबाद के मुस्लिम वोट करेंगे? यही रहते हैं जी हम, वार्ड नंबर 90। तो इस बार किसका पूरा करेंगे? 100 पूरा 100 करेंगे जी, साइकिल का, साइकिल का अखिलेश यादव को वोट देंगे। अब अरे वो छोटे का बचवा पीछे से बोल रहा है, कोई बात नहीं, अखिलेश यादव हाँ जी साइकिल को वोट देंगे। और साइकिल को यूँ वोट देंगे क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं रहा, ठीक है ना, जब रोजगार होएगा तो हम अपने बच्चों को राशन अपने पैसों से ला खिला देंगे,
हमें ऐसा राशन नहीं चाहिए, फिर बस हम तो ये चाहे ना बदलाव चाहिए। अब पूरे सुनो, पूरे 5 साल हो गए, अब योगी जी कह रहे जी हम 3 रुपए यूनिट सस्ती बत्ती कर देंगे। क्यों, 5 साल से सो रहे थे ये, जब 5,000 रुपए बिल आ रहे थे गरीब हो गए, उस पर बात कभी नहीं करी इन्होंने। आज तक तब्दीली चाहिए, हाँ बिल्कुल बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, रोजगार के ऊपर वोट देंगे हम, विकास के ऊपर वोट देंगे। यहाँ के लोगों को तब्दीली शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि इमरान खान इस्तेमाल करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव चाहिए। हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना, ना हम पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तानी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ बच्चे पल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा सब यही मर गए, तो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान का थोड़ी खाते हैं हम, हिंदुस्तान का खाते हैं। जय जय भारत, जय भारत। इन्हें बदलाव चाहिए, इन्हें भी बदलाव चाहिए। चाचा कह रहे हैं अभी पता नहीं, देखेंगे। आपको यही बदलाव ही चाहिए, आपको भी बदलाव। बिल्कुल, फ्री में आदमी खा सकता, उसे पहन नहीं सकता, ओढ़ नहीं सकता, रह नहीं सकता। अगर फ्री ही करना तो सारी चीज फ्री कर दीजिए। ये नेता है ना, ये नेताओं की नेतागिरी है। अरे आप भी तो यही करते हो। हम तो आम आदमी पार्टी है, हम तो आम आदमी है, आम आदमी है, आम आदमी के हिसाब से ही करेंगे हम तो। आप केजरीवाल वाले हो? जी नहीं, फिलहाल साइकिल वाले अभी। जिला गाजियाबाद, विधानसभा साहिबाबाद, हम आम आदमी पे, लेकिन चुनाव चिन्ह साइकिल है। चलो चलते हैं। जैसा क्रांतिकारी मिजाज और बेबाकी गाजियाबाद के जुबानी लहजे में है, साहिबाबाद के मुस्लिम टोलों में उसकी पूरी पिक्चर कैमरे में कैप्चर हो रही थी। मुस्लिम टोलों में बेसाख्ता बढ़ते हमारे कदमों के साथ साहिबाबाद में मुद्दों का ज्वार भी बढ़ रहा था। पड़ताल में साफ होने लगा था कि साहिबाबाद की मुस्लिम केमिस्ट्री को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन बुनियादी मुद्दों के शोर के बीच भाईजान वोट मीटर किसका बढ़ाएंगे, इसका जवाब शहीद नगर की ईदगाह पर मिला। चलिए, इस वक्त हम उसी शहीद नगर में हैं, लेकिन ईदगाह में पहुंच गए हैं। तमाम युवा यहां पे हैं। ऐसी सरकार आनी चाहिए, जैसी है ऐसी तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, फिर कैसी आनी चाहिए? अखिलेश भैया, बस सिर्फ अखिलेश भैया आने चाहिए। तो किस लिए आने चाहिए, कुछ दिमाग में होगा? सर जी बर्बाद हो गए, 1,000 रुपए का सिलेंडर, तेल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी, और क्या लोगे, बिजली इतनी महंगी हो रही है, मर जा मैं। बदलाव, बदलाव तो बदल कर कौन? समाजवादी। समाजवादी तो समाजवादी क्यों अच्छी लग रही है आपको? समाजवादी इसलिए अच्छी लग रही है सर, समाजवादी की सरकार में काम होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है, खुल के जी सकते हैं। इस सरकार में क्या मिल रहा, दिलों में नफरत मिल रही है। जब आप संवैधानिक पद पर बैठ के कह रहे हो 20-80 का मतलब मुझे आप समझा दो। 5 साल में सुनील शर्मा जी का चेहरा नहीं देखा मैंने सर जी, नालियों के रोड के देखो, 5 साल के अंदर सुनील शर्मा जी का चेहरा नहीं देखा मैंने। अरे वो हमारे विधायक हैं, ऐसे सरकार चलेगी, ऐसे काम होगा? गरीब तो मरता जा रहा है सर। गाजियाबाद लोकसभा सीट 2008 से पहले हापुड़ लोकसभा का हिस्सा थी। 2009 में प्रारनाथ सिंह यहां से जीतकर संसद पहुंचे। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा 2014 और 2019 में भी बरकरार रहा। जनरल बीके सिंह यहां के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार लड़ाई विधायकी की है। ऐसे में साहिबाबाद की मुस्लिम च्वाइस में कौन सबसे परफेक्ट विधायक है? इस वक्त हम साहिबाबाद विधानसभा के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में मौजूद है। बीजेपी का माहौल चल रहा है, ऐसा क्या कर दिया भैया? बढ़िया काम करा रही है बीजेपी जी। कौन सा काम? विकास भी करा रही है, गुंडागर्दी भी खत्म करा दी, राशन भी दे रही है, सब चीज दे रही है। बस कह रहे रोजगार, रोजगार का कुछ? रोजगार सही चल रहा है, बढ़िया। सरसों तेल बड़ा महंगा है, कोई तो महंगाई तो हर सरकार में आती है, हर सरकार में आती है महंगाई तो। और ये भी कह रहे हैं कि वो तो हमें तो मुस्लिम चाहिए ही नहीं, 80-20 का मामला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो परवेज भाई को योगी जी अच्छे लग रहे हैं? जी जी। हाँ तो कैसे कह रहे हो यार कि योगी जी पसंद है? और पसंद है। क्यों, क्या कर दिया? हर चीज कर दी, राशन फ्री, सारी चीज फ्री, सब फ्री चाहिए सब, क्या जो दे रहे हैं चस्का लग गया बगल का, दिल्ली वाला चस्का नहीं लगा सर, काम बढ़िया कर रहे हैं। मोदी लहर में 2017 में भले ही यहां की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, लेकिन 2012 में यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तब गाजियाबाद की 5 सीटों में से 4 पर बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा किया, जबकि 1 सीट पर आरएलडी ने जीत दर्ज की थी।
साहिबाबाद लाखों प्रवासियों का ठिकाना है। लाखों लोग बाहर से आकर यहाँ काम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव में यहाँ से कौन विजयी होगा, 2022 में यहाँ के भाईजान किसे अपना नेता चुनेंगे और किसे लखनऊ का ताज सौंपेंगे। सर स्क्रैप का काम है। स्क्रैप का काम है? अब बताओ चुनाव आ गया, किसको फेंकोगे स्क्रैप में? स्क्रैप में कबाड़ में, कबाड़ में साइकिल बिका करे, साइकिल बिकनी है कबाड़ में, कबाड़ में साइकिल बिकेगी, खराब होने के बाद कबाड़ में तो साइकिल बिका है, वो कबाड़ में बिकनी है। तो मतलब अखिलेश भैया को उतार लोगे और साइकिल बेच दोगे? अखिलेश भैया तो पहले उतरे पड़े, अखिलेश भैया दौड़ में कहाँ है? अच्छा। तो उतरे पड़े पहले, हमें तो साइकिल और बेचने का बाड़े में जो सिस्टम ही खत्म। और उसके बाद ओवैसी साहब को बिठा दोगे? ओवैसी तो हैदराबाद ही ठीक है, उसे तो गाजियाबाद में पाव पड़ने ठीक ना, नहीं तो नाश हो जाएगा गाजियाबाद का भी। वो हैदराबाद की तरफ तो पाव करके भी सोने बेकार है मुसलमान के लिए, क्योंकि मैं तो हैदराबाद गया हूँ एक बार ना 20 बार, वहाँ का रवैया देखा मैंने कैसा है। कैसा है वहाँ के? बस पूछो मत, ओवैसी की तरफ, ओवैसी के झांझा पाव पड़ेंगे अगर देश का नाश ना हो रहा। जिस जिले में आ जाओ जिले का नाश, जिस स्टेट में आ जाओ स्टेट का नाश। आज मुसलमान मुसलमान करे, जरा करे क्या इन मुसलमानों के लिए? कुछ करा है? हवाबाजी हवाबाजी दिखाया जावा, ओवैसी है क्या? गाजियाबाद में अगर आ गया तो काले झंडे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। तो फिर अखिलेश सही है? हमारे लिए तो योगी सही है। आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं, अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी।